वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 10th December 2020 और इस एजुकेशनल वीडियो में आज हम इंफोसिस के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे कल के इंट्राडे ट्रेड सेटअप के लिए और देखेंगे कि कल हम इस स्टॉक में क्यों इंट्राडे ट्रेड सेटअप लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी अगर हम वक्त देखेंगे तो आज 12:15 AM हो चुका है एट नाइट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दिसंबर। और अब चलते हैं हम चार्ट की ओर, वो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब स्टॉक ने एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था जो कि 1186 के आसपास का था, तब हमने एक सेल ऑफ देखा और स्टॉक ने एक डाउन साइड पे ट्रेड किया 1095 और उसके बाद एक स्विंग लेते हुए हम देख रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो एक डाउन साइड में हमें मूव करता हुआ नजर आया। 1051 पे स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया, फिर से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने अप जाने की कोशिश की और इस प्राइस के आसपास 1140 से 40-45 के आसपास एक रेजिस्टेंस का सामना किया जो कि मैंने एक येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उसके चलते स्टॉक का प्राइस फिर से डाउन साइड ट्रेड किया 1082, फिर इसने अप जाने की कोशिश की और फिर हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे थे यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला और अच्छे खासे वॉल्यूम भी ट्रेड हुए। सेकंड जो एक सेल ऑफ था उसमें वॉल्यूम तब भी थे, थर्ड टाइम जो ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा तब भी कंटिन्यू 3-4 डेज के सेलिंग में, ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग ही देखने को मिली। फिर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे 4 डेज के ट्रेडिंग सेशन में एक हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ और उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये अच्छा खासा वॉल्यूम था और सेल ऑफ भी हमें देखने को मिला। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में, मींस कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल बना है तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डेज से प्राइस जो है एक अपसाइड मूव कर रहा है और उसी के साथ एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम गौर से इस चार्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ये जो स्टॉक है इंफोसिस का वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और आज का जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और कल मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक फिर से एक अच्छा खासा बुलिश अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1187 का और सेकंड टारगेट होगा 1200 का। तो मैं मेरा जो प्रॉफिट है वो 1200 पे बुक करूंगा और मेरी जो एंट्री है वो एंट्री के लिए जो आज का हाई प्राइस है तो मैं मेरी एंट्री लूंगा लगभग यहाँ इसके आसपास, जैसे कि 1.89% का इसने हाई दिया हुआ है और मेरी एंट्री रहेगी 1170 से लेकर तो 1175 तक, यहाँ पर मेरी फर्स्ट एंट्री रहेगी और सेकेंड एंट्री रहेगी मेरी ये जो हाई प्राइस है 1179.50, तो मेरी सेकेंड एंट्री हो जाएगी 1180 पर, मैं सेकेंड एंट्री इस स्टॉक में लूंगा। अब देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। वेलकम इन्वेस्टर्स, आज का डेट है 10 दिसंबर 2020 और अभी वक्त हो चला है 10:28 AM। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इंफोसिस का इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट, और कल जैसे हमने एनालाइज किया था कि स्टॉक में यहाँ पर एक प्राइस है। अब मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ जैसे हमने किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कम होते जा रहे हैं और उसी के साथ हमें इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है और उस कंडीशन में जो टारगेट्स था आज का वो हायर टारगेट था 1200 रुपीज का। लेकिन जैसे कि मैंने सुबह मॉर्निंग में देखा कि जो ग्लोबल मार्केट है वो एक रेड जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था तो इसके वजह से मैंने ग्रुप पे भी मॉर्निंग में अपडेट कर दिया कि टुडेज सर्च शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी, हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है ना कि बाइंग लेना है और यहाँ पर टाटा सील दे दिया था 615 पे बाय, सॉरी
शॉर्ट करने के लिए 616 के स्टॉप लॉस के साथ में, और उसमें अदानी ग्रीन भी मैंने शॉर्ट करने के लिए दिया था, अगर वो बाउंस बैक देता है तो हम उसे शॉर्ट करेंगे। अब चलते हैं हम हमारे इंफोसिस के चार्ट की तरफ, और जहां पे हमने बाइंग के लिए ये जो प्राइस लेवल था 1168 से लेकर तो 1174, लेकिन मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता 1180 तो यहां पर हम बाय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट सिनारो बने तो हमें जो जीटीटी के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल करने पड़े 1180 के, और वेट करना पड़ा जो ये यहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस था जिसे मैंने कल ड्रॉ किया था 1157 पे, तो उस सपोर्ट प्राइस पे हमने बाइंग के लिए सोचा। और मॉर्निंग में जैसे ही स्टार्ट होता है मार्केट, तो यहाँ पर हमने थोड़ा वेट किया और 50 जो स्टॉक है 928 को बाइंग का ऑर्डर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हमने 50 स्टॉक को बाय किया 1161 में, जब ट्रेंड कंफर्म हो चुका था ऑन अ इंट्राडे चार्ट पे। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 5 मिनट का इंट्राडे चार्ट कि ट्रेड कंफर्मेशन हमने 5 मिनट में कैसे किया। जो एनालिसिस था, जो सपोर्ट और टारगेट्स था, जो ब्रेकआउट था वो कंफर्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ 5 मिनट के चार्ट में यहाँ फर्स्ट डिमांड जोन बना और हमने देखा कि स्टॉक का प्राइस इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अपसाइड मूव कर रहा है, तब जाके हमने इस सेकेंड कैंडल पे यहाँ पर 1161 के आसपास में एंट्री ली, और फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया सेम उसी प्राइस के आसपास 1150 है। और अगर हम अपने ग्रुप पे चलेंगे तो फिर मैंने 9:30 को ग्रुप पे भी अपडेट किया कि हम बाय कर सकते हैं इंफोसिस करंट मार्केट प्राइस पे, और टारगेट दिया था 1200 का, लेकिन होल्डिंग का ना कि इंट्राडे का। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया कि 90% मैं इंट्राडे को अवॉइड करता हूँ, और जो ट्रेड श्योर है जिसमें मिनिमम डेली हमें 5% का गेन मिल सकता है उसी ट्रेड को मैं प्रेफर करता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर इंफोसिस को जो टारगेट था इंट्राडे का वो रिवाइज कर दिया था 1186 का, और उसमें फर्स्ट टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था यहाँ पर 1175, जैसे कि आप यहाँ पर हमारे ग्रुप पर देख पा रहे हैं, और एंट्री के लिए कहा था कि 5 मिनट चार्ट में रिट्रेसमेंट का वेट करना है और वहां पे हमें एंट्री लेना है, और उस कंडीशन में इंट्राडे के लिए 1155 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि ट्रेड से पहले ही हमें ट्रेड का सेटअप करना होता है और उस सेटअप के बाद हमें एंट्री लेनी होती है। आप देख पा रहे हैं आज जो इंफोसिस का स्टॉक है वो ओपन हुआ था 1157.40 पे, और इसने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया 1150, और अभी इसका जो एक हाई प्राइस था वो था 1171.65, अभी भी ये 0.61% के लॉस के साथ में 1168.35 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टारगेट्स है वो टारगेट अभी भी यहाँ से बहुत दूर है, तो पूरे डे के ट्रेडिंग सेशन में देखना ये है कि क्या आज हमारा ये जो स्टॉक है ये हमें जो टारगेट्स है वो अचीव करता है, या फिर हमें बीच में ही कहीं इस स्टॉक से निकलना पड़ता है। तो उसके लिए हम देखेंगे पार्ट थ्री को। इंफोसिस के एक नए पार्ट में आपका स्वागत है। अभी वक्त हुआ है 11:25 AM और आज का डेट है 10 दिसंबर 2020। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया है 1171, और उसके बाद हम देख पा रहे 1025 से लगातार एक स्टॉक एक लो साइड हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और मैंने इस हाइस को और इस हाइस को कनेक्ट करके एक लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर डाउन ट्रेंड ड्रॉ किया हुआ है, और हम देख पा रहे कि 5 मिनट का जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पर डाउन है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने एक 5 मिनट के चार्ट में डिमांड जोन ड्रॉ किया है जो कि एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। ये जो आपको प्राइस रेंज दिख रहा है 1151 से लेके तो 1157, ये एक 5 मिनट का डेली डिमांड जोन है और जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर एक डेली चार्ट का हमने सपोर्ट भी देखा था 1155 के पास, तो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में आएगा तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
अभी अगर हम चलेंगे हमारे पोजीशन पे, तो यहाँ पर अभी 0.20% का अप है, क्योंकि हमारा बाइंग 1161 पे है, और अभी भी ट्रेडिंग सेशन पूरा रिमेनिंग है। देखते हैं आज के जैसे कि अभी वक्त हो रहा है 12:07 PM, और आज का डेट आपको पता ही है 10 दिसंबर 2020। जैसे कि इसके पहले जो हमने एनालिसिस किया था 5 मिनट के चार्ट को, तो इन टू हाइस को मैंने कनेक्ट करके यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और कहा था कि ये एक डिमांड जोन है। वैसे ही इस डिमांड जोन के अबव हमने, यानी आसपास ही कहेंगे, बाय किया हुआ है स्टॉक को, और टारगेट जो है वो टारगेट है 1100, जैसे कि हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में। और मेरा जो हायर एक स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट है वो है 1200 का, ये वो 1 से 2 डेज के ट्रेडिंग सेशन में अचीव होना चाहिए। और यहाँ पर एक जो चार्ट पैटर्न बना था 5 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड था और स्टॉक ने उसका रिस्पेक्ट किया, ना कि रिस्पेक्ट किया बल्कि एक, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसी 5 मिनट के अप ट्रेंड लाइन के पास इसने ट्रेड किया, और हम देख पा रहे हैं ये जो डाउन ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुका है, और स्टॉक ऑन रिट्रेसमेंट यहाँ पे कुछ 1167 के पास ट्रेड कर सकता है। इट में भी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। अभी 12 PM तो हो चुके हैं, और जो भी इंट्राडे में स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देना चाहता है वो 1 से 2 घंटे के भीतर ही आपको मिल जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे, 1161 का हमारा बाइंग है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1168, कुछ 0.65 का ही इसने अप दिया है अभी तक। तो देखना है कि आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में 315 तक, 320 तक, ये कहाँ तक ट्रेड करता है। पार्ट में जैसे कि हमने देखा अब तक प्राइस एक्शन जो था, एक 5 मिनट का अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और हम इंट्राडे में जैसे कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने आज एक रैली दिखाने के बाद अपने डाउन ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, फिर कुछ वक्त एक साइडवेज ट्रेड करता रहा, और यहाँ पर जब 5 मिनट के चार्ट में हमें एक ब्रेकआउट दिखा तो स्टॉक ने यहाँ सस्टेन किया जैसे कि हमने एनालाइज किया था, और उसके बाद एक रैली हमें अपसाइड दिखने मिलना चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से मार्केट और निफ्टी एक रेड जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आया, तो ये स्टॉक भी एक डाउन साइड हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो कल भी हम इसी स्टॉक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसके मूव्स को, और आज के डेट में हमें इस स्टॉक को हमें हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो आज इसने इस बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया है। जैसे कि हमने देखेंगे ये एक हाई था, ये एक लोअर हाई, और ये अगर देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट में एक डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप का यहाँ पर फॉर्मेशन बना। ओवरऑल अगर हम आवरली चार्ट को एनालाइज करेंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 3:16 PM हो चुका है, यानी इंट्राडे का जो वक्त था वो खत्म हो चुका है। इसीलिए हमारा जो रूल्स है कि 1 डे 1 ट्रेड आपको लेना है, आप उसके ऊपर ट्रेड ना लें। और सेकंड चीज कि आपके पास जो आपका कैपिटल है, ओन कैपिटल, आप उसी कैपिटल के साथ में ट्रेड करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी भी कुछ अच्छा खासा गेन हमें नहीं मिला है, ओनली 0.50 के पास ये स्टॉक ने अप दिया हुआ है, जबकि आपको पता है हमारा जो टारगेट था इसको लेके वो फर्स्ट मिनिमम टारगेट था 1200 का। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल वीकली लास्ट डे भी है, तो यहाँ पर वो टारगेट अचीव होता है या फिर से अनरियलाइज लॉस हमें ये हमारे पोर्टफोलियो में दिखाता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।